पुरुषों क्या कहा है कि सत का नाम से लिया है, याद दे देता हूँ, नाम से और श्री रामचंद्र भक्ति के नाम से, ख्वाजे पीर के नाम से, खेड़े देवता के नाम से और सभी देवी देवताओं के नाम से 101 लाख रुपए सुख शांति रखा परिवार के बीच में जहां भी महाराज कमाई में बरकत दिए बागण का भी। ये कहा है कि सत का नाम सही है और सही नाम किसका बाबू? हाँ सच्चे में गुरु समाज का सफल पंचायत का और सही नाम किसका है? इस नगरी के राजा के एक सत्रकार के जिसके संग में नगरिया बसती है। नगर के बीच में कोई भी भूत प्रेत कोई बीमारी खेड़े की इजाजत के बगैर नगर के बीच नहीं आ सकता। जिस नगरी का खेड़ा उदास हो हर तरह की बीमारी भूत प्रेत जिन जनात का पैर हो तभी कह दे के सारा नगर सुखते सोआ और नगरी का राजा खेड़ा सत्रपाल हो गया सारी रात जागा नगर का और दूसरा सही नाम किसका? इस बस्ता माई का बड़े बड़े गोदा और बड़े बड़े स्कूल भगवान माई के ऊपर अपने वाली डोरी किसी के हाथ में रावण जैसे योद्धा कसम जैसे तो देखिए आज की कथा ये सेवा बाचल माता ऐसी शिक्षत्राणियां इस हमारे भारत देश के बीच में पैदा हुई जिन्होंने सनातन धर्म को कायम रखा के सत्यवान की सावित्री ने पति प्राण बचाए थे गंधारी ने अंधे के संग अपने ब्याह चाहे थे ऐसी सी देवियां इस भारत देश के बीच में पैदा हुई। सुलोचना देवी सती हुई थी जब मेघनाथ जी के शीश महल के बीच में आए थे भी ऐसी हुई जिसने ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर महाराज के भी छोटे छोटे रूप बनाए थे। ऐसी देवियां इस दुनिया में एका चली गई जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर उनको भी सवा सवा महीने के बाद के बनाए का पारने के बीच में सड़ाई थी। ऐसी देवियां इस हमारे भारत में ऐसी ही बात सुनवाई जिन्होंने 12 साल बाबू गोर समाज की सेवा करी और जहर वीर महाराज से फल माता वासल को आज उसी माता वासल की सेवा गाने के बीच में आती है और कथा कहाँ से शुरू है? ये 12 गांव की छोटी सी रियासत ये तकरीबन जहाँ राजा जयवर का राज नेवर और केवर दोनों सगे भाई सरसा पटन से राजे कौरव पार की दो बेटियां बासल और माधव और तदरेवा नगर के बीच में यही आई राजा देवर के बहन के बीच में बासल में ही आई और नेवर के द्वारे में कांच लगी। बहुत समय बीत गया संतान ना बासल के पास हुई और ना संतान का एक रोज का जिक्र है रानी वासल अपने महल में पड़ी जार बजार करके रोती है। उधर राजा ने रोने का कारण पूछा ये रानी क्या बात है? ये पति महाराज हे राजन मैं अपने कर्म को याद करता रही हूँ किसी वेदाचारी ब्राह्मण को बधाई दो और बधाई का ब्राह्मण को पकड़ा दो पंडित जी से बात पूछ लूंगे हे पंडित जी मेरे कर्म संतान है या ऐसे ही मैं दुनिया से बात चली। पंडित ने पत्र आदि क्या और ये बात कही ये बेटी वासन तेरे कर्म संतान लेकिन बेटी ये नहीं है ये इंसान का नाम केवल संतान के अमर बाजा बाजा ऐसा न पाए थे जाओ बुझा माँ बाप को नाम है खाने जो पहले छोड़ता। अच्छा कर्म करने से इंसान का नाम अमर हो जा। कोई बेटी कुआं लगवाओ मंदिर बनवाओ धर्मशाला बनवाओ इंसान का नाम अमर हो जा
कोई पेड़ लगवे दे छाया के लिए, उससे भी नाम अमर हो जा के भाई फलाने आदमी ने लगवाया था, भक्ति करका वो भी पार उतर जा, नाम अमर हो जा बेटी, भक्ति कर ले मेरे कहने से खेड़े देवता के, खेड़ा देवता साहब तेनु संतान का वरदान दे दे।